जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान को मनचाहा भोग लगाया जाने वाला आज मैं आपके लिए मेवा पाक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप इसे पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम मेवा पाक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ एक कप कच्ची मूंगफली ले ली है और सूखे हुए नारियल को हमने पतला पतला काट लिया है। अब हम गैस पर पैन चढ़ा देंगे और इसमें मूंगफली को डाल के मीडियम गैस पे अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की आंच आप मीडियम करके ही मूंगफली को लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लीजिएगा। ये मेवा पाक बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। आप इस मेवा पाक को ढेर सारी क्वांटिटी में भी बनाकर एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से भून गई। इसे हम ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेंगे और इसी पैन में हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और जो हमने पतले पतले सूखे नारियल काटे थे इसे भी हम मीडियम गैस पे अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी ये सब भी डालकर इसमें भून लीजिएगा। आप देख सकते हैं सूखे नारियल अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी पैन में हम 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे। और हमने जो मूंगफली भून के रखी हुई थी ये मूंगफली हम देसी घी में डालकर 2 से 3 सेकेंड तक इसे मीडियम गैस पे भून लेंगे ताकि मूंगफली में घी का स्वाद आ जाए और जो हमारे मेवा पाक है बहुत ज़्यादा यम्मी बने। अब हम मूंगफली को बाहर निकाल लेंगे और इसी पैन में हमने 1/2 कप शुगर डाल दिया है। इसे हम 1-2 सेकेंड चला लेंगे और इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और गैस की आंच मीडियम रख के इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इस शुगर सिरप को हम 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये थोड़े से जब चिपचिपे हो जाए ना तभी आप इसमें मूंगफली और सूखे नारियल डालिएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से चिपचिपे हो गए हैं। अब हम मूंगफली और सूखे नारियल को डाल देंगे और गैस की आंच हमें इस समय फुल फ्लेम पे कर लेना है और फुल फ्लेम पे हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है, ये अच्छी तरह से हल्के हल्के सूख गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, लेकिन पैन अभी भी गर्म है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे पूरा ठंडा करके इसे हम हाथों से तोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसे थाली में बिछाकर चाकू की मदद से काट भी सकते हैं, लेकिन हमने मूंगफली और सूखे नारियल को अलग अलग कर दिए हैं। आप देख सकते हैं शक्कर की कोटिंग सूखे नारियल और मूंगफली पे अच्छी तरह से लग चुकी है। आप मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप इस जन्माष्टमी ये मेवा पाक बनाइएगा और कृष्ण भगवान को भोग जरूर से लगाइएगा। ये भोग कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।